ब्लॉग है नहीं कुछ नहीं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग चालू किया है मैंने। आई होप एवरीथिंग विल गो सून। मैं जा रहा हूँ राजगढ़ मेरे क्लास के दोस्तों के साथ। तो लेट्स सी मजे करते हैं। So we are traveling to a wonderful place Rajgarh, which is around 50 kilometers from the Pune, जो कातरज कुसगा रूट है। I don't recommend you guys to go by that route. तो उसके वजह आप कातरज हाईवे से जाओ और वहाँ पे बसेस वगैरह सब कुछ चालू है। तो you will not find any difficulties to reach Rajgarh. It will take around 2 hours maximum from the Pune, and it will be around 50 kilometers. तो हमने स्टार्ट किया था 5:30 बजे और हम पहुँचे around 7:30. माई ट्रेकिंग शूज। और आपको ये ऐसा रूट मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं मेरे ट्राइपॉड घर भूल चुका हूँ। ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक होता है। डिफिकल्टी लेवल टू हार्ड नहीं पर हार्ड। अभी तक हमने 25% भी कवर नहीं किया है। 25% कहाँ होता है आपको एक में ओवरव्यू लुक देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। तो आपका 25% ख़त्म होगा ट्रैक। ये जो एंड है इधर ही यहाँ पे एंड 25, उसके ऊपर 50 होगा, फिर ऊपर कोरा है जिसके वजह से मैं कुछ नहीं बता सकता अभी आपको। एक मतलब दुकान नहीं मिलेगा, घर या दुकान आपको जो कहना है वो कह लो, दुकान मिलेगा वैसे आपको रूट चालू है। रोड सबसे आसान रोड है यार, मज़ा है इस रोड में। तो फोर्ट इज लोकेटेड 1376 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब अप्रॉक्स 4700 फीट अबव द सी लेवल। चलिए मैं रुकना तो नहीं चाहता पर बाकी के लिए रुकना पड़ता रहे यार। क्या सही से व्यू है रे। अरे सॉरी ये देख लो। लाइक एक साल हो गए राजगढ़ जाना है फाइनली आ गया। सो वी कैन फुलफिल आर व्लॉग्स बकेट लिस्ट। तो अभी आगे भी क्लाइम कर रहे हैं। सूरज निकल चुका है वहाँ से। तो बजे 8:42 है बजे। 7:30 को चालू किया था, 7:40 को, एक घंटा तो हो गया अभी तक तो 50% कंप्लीट नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कितना ये है।
डिफ़िकल्ट है। जो बिगिनर्स है प्लीज़ इस स्पोर्ट को अवॉइड करो, स्टार्टिंग को थोड़ा स्टैमिना बिल्डअप करो डेली रूटीन से, फिर यू कैन क्लाइंब इट इजीली। इधर तो देखो, ओह माय गॉड, ये देखो नेचुरल वाटरफॉल है भाई, पानी देंगे इसका, ये देखो नेचुरल वाटरफॉल है, देखो कितना क्लियर पानी है, साफ क्लियर पानी है, ये देख लो कितना क्लियर है। तो अभी यहाँ से बाली किला चढ़ना है, तो ये सब रेलिंग्स बाली किले के लिए जाने के लिए लगाई है, ये देखो बहुत छोटा रास्ता है। हमारा अलग से रहेगा, देख पावर बटन ना दबा, मैं बताऊंगा तुझे, ऐसा नहीं है। अरे पानी का स्वाद अच्छा है, अरे पी के तो देख, पिया। तो ये चोर दरवाजा, हाथवे पे है पद्मावती तालाब, यहाँ पे जाना मना है, यहाँ पे कुछ भी करना मना है, सिर्फ आप देख सकते हैं दूर से, देख लो यार क्या सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर 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 महादेव। ठीक है जा, काम ठीक है, टाटा। तो गाइस हम ऑफिशियली 2 घंटे बाद राजगढ़ आ चुके हैं, तो राजगढ़ में आपको सबसे पहले एंट्री मिलने के बाद चोर दरवाजे से अंदर आने के बाद आपको पहले मिलता है पद्मावती तालाब। पद्मावती तालाब में स्पेशली पैर डाल के नहीं बैठना, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वहाँ पे जाकर शांति शांति से बैठ सकते हो, पानी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, पानी बिल्कुल गंदा नहीं करना, क्योंकि यहाँ की सारे कम्युनिटी ने हमारे सारे दोस्तों ने मावळ्यांनी तो तलाव साफ केलेला आहे, अजिबात नाही, असे तुम्हाला 3 तलाव बघायला भेटतील। माझ्या मतेने मी मातशी पहिला पद्मावती तलाव बघितला आहे, पलीकडच्या साईडला पण अजून तलाव आहे, 2 तलाव आहेत। जब आप ऊपर आओगे पद्मावती तलाव से, ऊपर आपको कैंपिंग टेंट वगैरह डालना मिल सकता है, परमिशन है आपको, यहाँ पे आपको सब खाने के लिए सब सुविधा है। आल्यावरती इथं साईबाई यांची समाधी आहे, इथं पद्मावती मातेचं मंदिर आहे, आणि इथं रामेश्वरचं पण मंदिर आहे, शंकरांचं मंदिर आहे, इथे आपण राहू पण शकतो, आणि इथून तुम्ही पुढं जाता की बालेकिल्ल्यापाशी जाता, बालेकिल्ल्याकडे जाने के लिए ह्याचे रस्ता आहे, और या माची किल्ले, माची मतलब जो आप तो वॉल टाईप जो रहता है ना, वो उसे माचे बोलते हैं।
और जो फोर्टिफिकेशन रहता है वो, और जो मेन महल रहता है वो बाले किला बोलते हैं उसे। तो ये बाले किला की तरफ जा रहे हैं हम। देखो स्टेयर बाले किले के आने के लिए कितनी बढ़िया है यार, बहुत सही है। कितने बजे अभी? 9:51, 3 घंटे हो गए हम वहाँ पे यहाँ पे आते हुए। देखो गर्दी, तो ये बारी किला, दिस इज द एंट्रेंस एंड दिस आर द स्टेयर्स। तो दिस इज बाले किला, व्यू देखना है ये देख लो। राग हो रहा है और ऊपर से सन भी निकल के आ रहा है, मतलब एकदम राजगढ़ के एकदम जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे है। फॉग देखो ऐसे रिवर्स आ रहा है, पर नीचे फिश नहीं दिख रहा है। राजवाड़े से आउटसाइड से, मतलब जो जहाँ पे महाराज रहते थे ये उसका ही है सब, पर ये सब अभी घिरा हुआ है। संजीवनी माची है, आई होप यू कैन सी इट क्लियर यार। ये संजीवनी माची है और उस साइड है वो सूरजची माची थी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। है संजीवनी माची, बाले किला से नीचे उतर रहे सूरजची माची की तरफ, क्योंकि संजीवनी माची की तरफ जाने के लिए बहुत वक्त लगेगा, घर भी जाना है और ट्रैक भी जल्दी ख़त्म हो रहा है। हमारे पास खाना वगैरह कुछ नहीं, खाना देना है इधर से, पर तभी भी ज़्यादा टाइम जाएगा। डर लग रहा है यार, पूरा आधा घंटा लग रहा है। तो ये है सूरजची माची, यहाँ पे कुछ नहीं, अभी फोटोज निकालेंगे और नीचे जाएंगे और